तो फाइनली गाइस अभी जो है ट्रेन आ चुकी है। शेर भाई गाइस ये देखिए आगरा का पीठा, इसको गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं यू वी आर्ट। सो गाइस अभी जो है ना सुबह हो चुकी है और हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं एक जर्नी पे जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। और फिलहाल गाइस अभी हम लोग जो है ना हम मम्मी और पापा तीनों लोग साथ में जाएंगे और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। अभी यहाँ पे जो है ना खाना खा रहे हैं, ये देखो खिचड़ी खा रहे हैं हाथों से, बिल्कुल देसी तरीका। और मम्मी उधर तैयार हो रही हैं और दीदी हमारी वहाँ जो है ना मेहंदी लगा रही मम्मी के। और यहाँ पे बैग पैक हो रखा है पीछे साइड और अभी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं। अभी जो है ना माता जी के दर्शन करते हैं, वो माता हाँ चलते हैं। चलो हम आगे चल रहे हैं। अपना ट्रॉली बैग आ चुकी है अपनी कार और इसी पे हम लोग चलेंगे। अभी गाइस यहाँ पे रख दिया है सामान और बाकी लोग आ रहे हैं, वो भी सामान रखेंगे फिर चलेंगे। बाय। हाँ हाँ बाय 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 भैया जी। अब चलते पापा फिर चुके हैं। चुके हैं अशबाग स्टेशन, बड़ा अच्छा लगा स्टेशन। हाँ पहली बार आए हैं यहाँ पे, ये फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं अशबाग स्टेशन, सामान उतारते हैं। हाँ भाई अशबाग का स्टेशन, यहाँ पे ट्रेनें काफ़ी खड़ी हो रखी हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों दो नंबर गेट पे पहुँचना है और ज़्यादा भीड़ भीड़ तो यहाँ पे है नहीं, तो अभी ट्रेन बस आने वाली है तो अभी वेट करेंगे यहाँ पे और फिर चलेंगे। गाइस अभी जो है ना प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी आगे भीड़ चल रही है, तो अभी फटाफट ट्रेन का वेट करेंगे और जब सी आती है वैसी बैठती इसमें। गाइस हमारी मम्मी हमारे साथ हैं, जर्नी में हमारे साथ रहेंगे, आपको दिखाएंगे और मम्मी को भी साथ साथ घूमेंगे। तो फाइनली गाइस अभी जो है ना ट्रेन आ चुकी है। अभी जो है ना ट्रेन रुक चुकी है, अभी इसमें देखते हैं सीट कहाँ पे है हम लोगों की, काफ़ी लंबी ट्रेन है, S2 में हम लोगों की सीटें हैं तो इसी में बैठेंगे चल के। तो बस देखते हैं, सीट हम लोगों का रिजर्वेशन हो रखा था पहली, तो सीट आराम से मिल जाएगी। हाँ पीछे देख रहे होंगे हमारी ट्रेन खड़ी हुआ अशबाग की स्टेशन पे, अभी हम लोग मौजूद हैं। तो बस सीटें वीटें मिल चुके हैं, वहाँ पर हम लोग बैठ भी चुके हैं और अभी बस थोड़ी देर में ट्रेन चल देगी और सफ़र हम लोग वहाँ स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट होता है तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकी, इसके बाद चल देगी ट्रेन। भाई
अभी तक तुम लोग एसी ना कराएंगे। फिलहाल गाइस अभी आप बैठ चुके हैं यहाँ सीट पे। पानी कोल्डिंग, पानी पानी, मम्मी पानी कोल्डिंग। हैदराबाद से अब हम लोग निकल चुके हैं। अब ऑफिस चल रही है यहाँ से भाई, ट्रेन चल चुकी है। सब लोग बैठ गए हैं, आपको निकल बैठना है, ठीक है? आपको सभी जो है ना खीरा खा रहे हैं। फाइनली गाइस अभी जो है ना कानपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन अभी रुकी हुई है तो बाहर हम आ चुके हैं। अभी ट्रेन थोड़ा डिले है, अभी चलती है तो फिर अंदर बैठते हैं। कानपुर आने के बाद एक एहसास तुम्हें जरूर होगा, यहाँ की बोली और प्लस जो लोग पान तम्बाकू खाते हैं यहाँ पे बहुत सारा होता है। ये भाई कानपुर स्टेशन काफ़ी बड़ा है भाई, जितना बड़ा चार बाग है उतना ही तो बड़ा हमको ये लग रहा है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पे, बराबर ट्रेन आया जाया करती है। फिलहाल तो अभी हमारी ट्रेन 10-20 मिनट बाद ही चलेगी, तब तक के लिए हम बाहर ही रहेंगे भाई। गाइस यहाँ से ट्रेन जो है ना चल चुकी है कानपुर स्टेशन से, तो अब कानपुर को करते हैं बाय बाय। वो ट्रेन में जो है ना एक चीज़ दिखाते हैं, इंसान कितना जुगाड़ू हो सकता है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना सुपारी पान तम्बाकू खाते हैं ना, तो उसका जो रैपर होता है उसको ये डाउन कर दिए हैं, उसके अंदर ये डाल दिए हैं, ये देखो। और वो देखो वहाँ भर दिया है, और ये देखो सब लगा रखा है। कुछ इस तरीके से रेलवे में गंदगी करते हैं लोग। फिलहाल हम ऐसे नहीं हैं, हम जितना भी डस्ट होगा सब डस्टबिन में डालेंगे। गाइस अभी हम जो है ना ऊपर वाली सीट पे आ चुके हैं, यहीं पे आराम से सोएंगे। तो अभी काफ़ी भूख लग रखी थी तो यहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं। ये रही पूड़ी और सब्जी, ये जो है ना मम्मी घर से बना के लेकर आई थी, तो अभी इसको खाते हैं फटाफट। जो ना खाना वाना खा चुके हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्टी खाना था, मम्मी दांतों का बना हुआ। तभी जो है ना थोड़ी देर आराम करेंगे, सो जाएंगे। तभी जो है ना पहुंच चुके हैं आगरा, तो यहाँ पे देखो कुछ नज़ारा इस टाइप का दिख रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी है यहाँ पे। और आप जानते हैं आगरा में जो है ना यहाँ पे पीठा बहुत पसंद है, तो आप खाए होंगे कभी ना कभी। तो फिलहाल अभी कुछ देर यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है और फिर यहाँ से रवाना हो जाएगी। ये पीठा दिखाते हैं, यहाँ बिक रहा है तो वो भी आप देख लो। ये देखो गाय पीठा भाई, छोटे पैकेट में भी पीठा है ना, ये 100 वाले 200 वाले भाई, पीठा ही पीठा बिक रहा है आगरा में। यहाँ पे स्टेशन के बिल्कुल जस्ट बगल में दुकान लगी है ना, स्टेशन ही पे है ये दुकान, ये हमारी ट्रेन खड़ी। गाइस ये देखिए आगरा का पीठा, इसको टेस्ट करते हैं, काफी फेमस पीठा है ये भाई। तो गाइस यहाँ पे अभी खाएंगे अंगूर, ये देखिए गाइस अंगूर गुच्छे। ठंडा था ना, अब गर्म हो, ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अंगूर, ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तभी जो है ना सनसेट होने वाला है,
आपको सूरत दिख रहा होगा, अभी सनसेट होने वाला है। अभी जो है ना, अभी हम लोग मौजूद हैं राजस्थान के इलाके में। ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे देखो कैसी जमीन है। ढेर अंधेरा छा गया भाई, सब सो रहे हैं। फाइनली गाइस, अभी जो है ना काफ़ी रात हो चुकी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। तो अब सोने का भी टाइम आ चुका है, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी तक हम जग रहे थे, कर रहे थे एडिटिंग और काफ़ी कुछ फ़ोन में मूवी वूवी देख रहे थे। तो बज गए 12, तो अब जा रहे हैं सोने। और आज का दिन तो पूरा ट्रैवल में बीता और कल का भी ऐसे ही बीतने वाला है। दो तीन दिन ऐसे ही बीतेगा, क्योंकि 3 दिन लग रहे हैं। आज 6 तारीख है, 7 तारीख को भी ट्रैवल करेंगे और 8 तारीख को हम लोग रात में पहुंचेंगे। तो 3 दिन का सफ़र ये ट्रेन में रहेगा और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे द्वारका। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में रखते हैं इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।